अल्लाहु अकबर। ये मैंने फेंक दिया। अच्छा मैं क्या की हुई? अच्छा यहाँ से ना कोने से भी एक आवाज़ सी आई है, जैसे कोई चीज़ गिरती है ना नीचे। अच्छा वो समझ नहीं आई सर, ये एक अजीब सी आवाज़ थी, वो पता नहीं इधर से आई है नीचे। अकबर अकबर, सारी चीज़ें गिर पाओगे के ऊपर गिर हैं। गई। ये क्या हो गया? ये देखें यार, ये इतना वजनी है ये भी, और वो शॉपर देखो ना, ये तो बिल्कुल ताज़ी लग रही है अंदर से, जैसे अभी किसी ने कोई चीज़ के अंदर डाली हो। देखना लग रही है ना, नमी भी है इसके अंदर। इसको मैं फेंकने लगाऊंगा। मर गए यार। बच गए अकबर, बच गया। अस्तग़फिरुल्लाह। निज़ाम ही चेंज हो गया है, सारी चीज़ें जो है वो उड़ी थी यार। वो खिलौने, वो खिलौने किधर गए? यहाँ पर जो मेरे पड़े ख्याल थे में वो मेरे ख्याल में उधर, वो उधर कॉल में यार, पड़े बच के या उड़ के चीज़ें। यार। अल्लाहु अकबर, हर यार चीज़ ही एकदम आगे समझ पीछे नहीं हो गई आ रही सब। यार, बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है बार बार। देखने तो चाहते, अगर रोशनी थोड़ी बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लें। थोड़ी बढ़ाई है शायद। इतनी ब्लरिंग हुई जा रही है बार बार। हाँ ये नहीं पड़े हुए यार, वो उधर पड़े हैं कॉलर में। लो अल्लाह देखिए। ओ मार गया तेरी। अल्लाह अकबर। यार बाहर हो गए, मतलब भाई बाहर हो। जान लगी जा गई। तुसी बच गई जान भाई? हाँ थोड़ा सा बस टाइम लगा, बच गया। ओह पर यार पूरी ये वो इधर कोई चीज गई है। अकबर अस्तग़फिरुल्लाह। यार यहाँ पर कोई चीज गई है यार। ओए ये क्या हुआ, ये क्या गिरा है? बारिश ऊपर से कुछ हाँ? ऊपर से यार ये देख। अकबर अल्लाह पूरा दरख्त ही देखे गिला हुआ पड़ा है, जैसे इसी दरख्त के ऊपर जो है वो बारिश हुई हो। फोक की वजह से हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा जो है जी ये वेट।
ये जो हिला है ना अभी ऊपर से अचानक से, तो सारा पानी नीचे आया यार। यार मुझे ना अच्छा इधर आपको क्या नज़र आया था यार उस जगह पर ना, वाइट सा जो है वो शेडो नज़र आया था। अब तो जिधर जिधर खड़े हो रहे हैं उधर उधर ही अटैक हो रहे हैं, जैसे यहाँ से वैसे ही भगाना चाह रही हो। इसमें तो कोई शक नहीं जी कि इस जगह जो है वो बंदा जो है वो ब्लैक मैजिक करता रहा है। चोटें अच्छी खासी आ गई हैं मेरे यार, टांग भी और हाथ भी जख्मी हो गए। ये क्या है, इसको भी देखें बांधा गया है। और ये तो शायद मेरे ख्याल में कोई मट्टी ना अंदर जाए, शायद इस वजह से जो है ये बांधा गया है। यार ये वहाँ से आया है, ये दीवार टूट के है, ये दीवार टूट के है, ये दीवार टूट के। चांद भाई दीवार के पीछे दिखाइएगा, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। देखा देखा इधर देखा, चांद भाई आगे लाए इधर लेकर आए। चांद भाई अल्लाह अकबर, इसके अंदर है कोई चीज़, इस रूम के अंदर है कोई चीज़। यहाँ पर खड़ी थी अभी, इधर से हमें देख रही थी आपने, इधर मैंने इस साइड पे अपना देखी है इधर। ये चांद भाई इधर भी दिखाइएगा, आपने इधर देखी है अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ से जैसे हमारी तरफ बिल्कुल वो देख रही हो। यार ये धुंध पड़ रही है ना, वो ऐसे ही लगता है जैसे कोई धुंध ही हो, बिल्कुल ऐसे धुआं सा है वो। मैं क्या बताऊं यार आप दोस्तों को। या अल्लाह, खैर तो लाइट हो ना इस साइड पर तो फिर भी है। जैसे वो चीज़ यहाँ से खड़ी होकर ये एकदम से ही वो ईंटें गिरा कर पर क्या उस रूम में वो लगता है उस कमरे से निकल के इधर आ गई है। इधर देखा आपने जामे, ध्यान से इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है जी। इस रूम के पीछे क्या है यार, ये आवाज आई है अभी। अभी माइक चेक कीजिएगा, ऑन ही है ऑन है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। बच गए खैर, इतनी बड़ी ऊपर से अगर ग्रीन के ऊपर अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह यार, ठगी हुई यार इन दोनों। बच गए यार ये पूरी, ठीक है यार ये इतना बड़ा ऊपर से आकर गिरा ये मिट्टी का। अस्तगफिरुल्लाह यार, ये तो वही दीवार है जहाँ पर वो हाँ बच गए जान भाई, टांग वगैरह बच गई। अंदर के गोबर है अंदर, इसके अंदर वो देखिएगा बेड़ वगैरह हैं इसमें ख्याल से ज़रा। वाह
आवाज़ आई बिल्कुल हंसने की ऐसे ही नो अकबर बाहर से तो दिखा रहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा दीवार भी जो है ना वो ऐसे ही गिरी है यहाँ बिल्कुल अगर देखा जाए ना शेर भाई अगर ये गिरती ना हाँ तो चाहे ये मट्टी है फिर भी वजन तो है ना इसका कई केजी इसका वजन होगा वही तो मैं कह रहा हूँ वो वाला जो है जी वो आके गिरी है और यहाँ से टूटी है दीवार ये वाली जो चीज़ है ना ये अजीब सी है पहले कभी नहीं देखा कि ऐसे दीवार के अंदर जो है कुछ दफन किया गया जैसे कोई मखसूस कोई चीज़ जो है ना जी वो खसूसन दफन इसलिए की गई हो अगर देखा जाए ना शेर भाई तो कुछ मटके टाइप लग रहा है हाँ जी बिल्कुल वैसा ही है पहले ये होता था ना आप पीछे चले जाएं तकरीबन 40-50 साल पीछे तो ऐसे ही लोग ना अंदर अपने सोना वगैरह रख कर जो भी है वो दीवार के नीचे जो है वो ऐसे ही लगा देते थे चेक करिए कि सोना हो नहीं इतनी अच्छी किस्मत नहीं साड़ी अक्सर वो मूर्तियाँ बनी होती थी ना कोई शेर का कोई चेहरा बना हो तो उसके अंदर भी वो छुपा देते थे ऐसे ही तो हमारे शहर में वो ऐसे ही एक हुआ था अंदर अल्लाहु अकबर अंदर कुछ है हाँ अल्लाहु अकबर ये यार ये क्या हो रहा है ये दरख्त नहीं लगा हुआ इसके साथ जैसे कुछ चीज़ अंदर को गई हो यार मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ हो अंदर हाँ इधर भी है इधर भी है आवाज़ आई ना उधर भी है और इधर भी है अल्लाह अकबर क्या हो रहा है यार अजीबो गरीब सी लोकेशन है मुझे इस लोकेशन की शायद समझ नहीं आई दोस्तों को भी समझा दें कि हमें खुद नहीं पता चल रहा कि नहीं हो क्या रहा है हो क्या रहा है और आवाज़ें किधर से आ रही हैं कभी इधर से आवाज़ आती है तो उसके फ़ौरन बाद महसूस ऐसा हो रहा होता है जैसे यहाँ से आई है और एक चीज़ और नोट करें कि कभी इतने ज़्यादा अटैक होने शुरू हो जाते हैं कि बंदा कहता है यार अभी ना ये नहीं रुकेंगे एकदम से खामोशी ऐसा ही है तो फिर से शुरू हो जाते हैं मतलब अजीबो गरीब से मामला हो रहे हैं अभी वो कमरे के अंदर कुछ नज़र आया है हाँ वो भी है उसके फौरन बाद जो है जो आपने कुछ देखा है मैंने यार ये जो अभी दरख्त लगा हुआ है इसके जैसे ना कोई चीज़ निकल कर अंदर को गई हो उस साइड को अब यहाँ पर दो हैं जी चीज़ें एक इस चीज़ की समझ नहीं आ रही जो यहाँ पर दफन की गई है और दूसरा वो जो वहाँ पर उस आमिल ने जो है वो जादू किया है उन बच्चों के खिलौनों पर बाकी वो ये है कि सर भी वो जो खिलौने हैं वो हमें लेके जाने पड़ेंगे वहाँ से बिल्कुल लेकर जाना होगा इतना चांद दिखा दीजिएगा अगर वैसे भी दोस्तों को पता चल ही जाएगा कि दूर दूर तक आप देख लें कोई लाइट नहीं है कोई कुछ नहीं है कोई आबादी नहीं है और एक वाहिद घर है अल्लाहु अकबर यार इधर 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 देखिए देखिए चांदी वो देखें अब नजर आई लाइट कोई चीज़ है यार अंदर कोई चीज़ रोशन है अल्लाह अकबर यही तो मैं कह रहा हूँ बार बार यार इसके अंदर कोई चीज़ कुछ है ये अंदर अल्लाह अकबर ओए आग लगी हुई अंदर हाँ आग लगी हुई है किस चीज़ को अल्लाह मार गया
इस साइड से दिखाइएगा, इस साइड से दिखाइएगा। अल्लाहू अकबर, नजर आ रहा है मेरा सर बच गया, वो सामने नजर आ रहा है यार ये। ओ यार ये वो खिलौने जले हुए हैं है? असल में वो खिलौने जले हुए हैं यार, मर गए यार, वो खिलौनों को आग लगी हुई है यार। अस्तग़फ़िरुल्लाह, चलो ये आपका मोबाइल इधर से इंटर होकर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये दिखाना चाहोगे नीचे? ये देखिएगा, इससे बचकर रहना। अगर ये प्लास्केट है, अगर हमारे ऊपर गिर गई ना तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये वाला, ये जो ये खिलौना, ये तो उसको साइड पे, यार बाकी के किधर गए यार? ये सिर्फ एक ही बचे, ये पड़ा है, ये पड़ा है, बाकी भी इधर काफी सारे पड़े हैं। अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह यार, ये पहले पड़ी हुई है, ये शायद अभी तो पड़ी थी। ये क्या चीज? ये अजीब और ये सब मामला तो है और यार इसका आंख धुआं भी नहीं है। हाँ लेकिन जो प्लास्टिक होती है इसका इतना जहरीला होता है कि सांस नहीं ली जाती। और ये साथ में ये कुछ खुश्की झाड़ियाँ सी पड़ी हैं, तो अगर देखा जाए तो कम से कम इनसे धुआं निकलना चाहिए, क्योंकि इनको भी तो आग लगी हुई है ना साथ में, इनसे भी जो है वो नज़र तो नहीं आ रहा। ये हल्का हल्का सा है, ये यहाँ से उठ रहा है, ये मेरे ख्याल में कोई माचिस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह अकबर। इसको पीछे कर लीजिए यार, ये तो बताया अभी क्या हुआ है। आपने नोट किया कि मैं इसे लेकर जा रहा था ऊपर रखने के लिए, तो जैसे उस चीज़ ने ना वो फेंका है कि हम पीछे हट जाएं, कि इसे जैसे वो चाहती हो कि ये हम आग ना बंद ना करें। एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो गई यार अभी से, जैसे ये बुझाए ना हम इसे, है ना जी। क्यों ना फिर जी इसको, वैसे तो यार ये जलती रहेगी। और आप दोस्तों को बता दें जी, अगर पता नहीं यहाँ पर आप दोस्तों को नज़र आएगा या नहीं, तो एक गोल दायरा भी जो है ना जी वो बना हुआ है, वो प्रॉपर आप दोस्तों को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस जगह जो है ना जी वो एक जैसे एक हिसार सा नहीं किया होता, और उसके जो है वो सेंटर में जो है वो चिल्लाकशी की गई हो, बिल्कुल वैसा जो है ना जी वो लग रहा है। यार मुझे तो इससे आ रही है कि इतनी वजनी कि लकड़ी एकदम से जब आई है ना हमारी तरफ, बहुत बचत हो गई है, इसने कह लेंगे अपनी हड्डी वगैरह तोड़ देनी थी पाँव की। और अच्छा खासा ये भारी है, अगर आप इसको हिलाएं ना जी पूरी की पूरी, कह लें कि वो है दरख्त है पूरे का पूरा, पूरा दरख्त है, ये नहीं हिलता, उठाने में काफ़ी वजनी होगा। और ये तो हवा के अंदर था यार ये। अल्लाह अकबर,
यार, मैं खुद की तबीयत ख़राब हो गई है, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। ये देखें चले भाई, ये भी हाथ मेरा देखा, ये देखे सारा, ये सूझ गया यहाँ से, हो गया ना, इसलिए हाथ नहीं काम कर रहा। ये सर्दी की वजह से भी जो है ना, वो दर्द जो है वो मज़ीद और बढ़ जाती है। ओए वो देखे, ये कुछ और आ गया इसके अंदर यार, ये क्या हो रहा है यार, ये वो भी जला रही है, वो यहाँ पे जो पड़ा हुआ था किधर, जो इधर पड़ा हुआ था वो किधर गया यार, कुछ समझ ही नहीं आ रही यार, क्या हो रहा है। यार कोई चीज नहीं बची, देखें तो कोई ना कोई चीज तो बची होगी ना यार, जो हम लेके जा सकें अपने साथ। वो शॉपर किधर गया, शॉपर के अंदर थे वो सब कुछ, अंदर का भी नहीं पता यार। क्या हुआ, चीज गिरी है, देख अगर देखा जाए तो इसको जलाने के बाद वो चीज़ को कह लें कि उस चीज़ का काम जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसे क्योंकि उसने वो सब कुछ कह लें कि जो हमने लेकर जाना था वो जला दिया है। यार अजीब वो गरीब सा मुझे नहीं समझ आई, हमारी आंखों के सामने यार, अभी हम उधर देख रहे थे कुछ और इसे, लगी मुझे तो इससे यार डर लग रहा है, इतनी लकड़ी से ये यार। फिर इस चीज़ को असद भाई जो है ना जी, इसार जो है वो जो कुरानी आयात है वो पढ़ के इसार बांध के इसको जो है जी वो बुझाते हैं, ताकि इसका जो असर है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए। ये भी आप जो है फिर वो लगा लें, हिसार लगा लें, मैं खड़े होकर पढ़ देता हूँ, आप साथ साथ जो है जी वो हिसार लगाते जाएं। चल भी आप भी साथ में पढ़ते रहिएगा, असल भी तुसी भी नाल नाल पढ़ते रहिए। इसके ऊपर ऊपर दो ताकि इसका असर जेड़ा है ना जी वो खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर, शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम।
ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ ਹਿਸਟਰੀ चाहिए। देखें एकदम से बुझ गई है आग। बिस्मिल्लाह इस चीज का जो है जी वो तो अब मुझे यार ना अजीब सा मैं शुरू से बता दूं जब इंट्रो हुआ है ना उसके बाद सही मेरा जैसे बंदे का दिमाग ही ना काम कर रहा हो इस लोकेशन पे आ गया सर भी ऐसे ही हकीकत बात है कुछ समझ ही नहीं आई। अब जो चीज़ें लेकर जानी थी वो देख लें वो लग गई आग उन चीज़ों को। अभी इससे जो जो बात हुआ है ना इस एक्ट के बाद ये जो भी सब कुछ हुआ है तो मुझे कुछ नहीं याद आ रहा कि क्या हुआ है हमारे साथ। वो जो उस चीज़ का जो तोड़ था वो तो उम्मीद है कि यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो गया होगा, अल्लाह करे कि वो ख़त्म हो गया हो, लेकिन वो चीज़ जो है जी वो अभी भी इसी जगह है। इस लोकेशन को वो तो क्लियर करनी पड़ेगी, इस लोकेशन को क्लियर करेंगे तो वो चीज़ यहाँ से जाएगी। जैसी अभी वो कॉल करके उनसे पूछना भी पड़ेगा कि वो बच्चे की तबीयत ठीक है या क्या है, कोई मसला मसाइल तो नहीं बना यार ये जो हुआ है अभी। मैं कहता हूँ पूछ लें उनसे, पूछना पड़ेगा कॉल करके उनसे ना पूछ लें, पूछ लेते हैं जी कि ठीक है सब खैरियत तो है ना, क्योंकि ये इस तरह आग का लग जाना और जिस तरह उन्होंने बताया हुआ था कभी खिलौने जो हैं जी वो लेकर आने हैं आपने जो भी वहाँ पर पड़े हैं उनको तो ये आग लग गई। हाँ जी क्लियर करते हैं, मेरा फ़ोन कर लेते हैं उसके बाद क्लियर करते हैं इस लोकेशन को। आप दोस्तों को बता देंगे कि अभी हमने कॉल की है उनसे बात हुई है और उनसे यही पूछा कि बच्चे की जो तबीयत है वो ठीक है या ख़राब है, तो उन्होंने बताया जी कि वो ठीक है जी बेहतर है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई कह भाई कि कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस तरह हो गया था तो मैं हमें वही ना मैं खुद यही समझ रहा था कि पीछे भी मसला ना बन गया हो। जी हाँ बिल्कुल मसला ना बन गया हो क्योंकि वो गलती हो गई थी और सभी वो जो हम उस साइड पर चले गए थे अगर पहले अगर वो उठा लेते, लेकिन बेहतर ये है कि जी वो उसका जो है ना वो असर ख़त्म हो गया यहीं पर ख़त्म हो गया। बाकी लोकेशन जो है जी वो हमने क्लियर कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ पर कुछ देर और जो है वो हम स्टे करेंगे ताकि हम कन्फर्म हो जाए कि यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर टाइम स्पेंड हम करेंगे। तो बाकी कब सर दोस्त पूछ रहे थे कि आपका जो सीरीज़ का जो पार्ट है वो कब आएगा, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट इस एपिसोड के बाद इंशाल्लाह आपको मिलेगा, क्योंकि हम पीछे भी कहते आ रहे हैं कि आएगा नेक्स्ट होगा नेक्स्ट होगा। तो हुआ कुछ यूँ कि जी वो जो लोकेशन हमने विज़िट की थी हमारी वो समझ से सीधी सी बात वो बाहर थी पहले, कि हमें लगा कि हम अगर जाएंगे तो समझ लें कि हमारी जो जान है वो भी जा सकती है। फिर हमने अपने बुज़ुर्गों से बात की तो उन्होंने जो हमें बताया गया जो भी उन्होंने प्रोसीजर बताया उस पर अभी हम पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगी इंशाल्लाह वो आपको सीरीज़ वाली ही मिलेगी इंशाल्लाह जी। और कुछ मेरी भी असल में तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल, पिछले 2-4 दिन से जो है ना जी वो काफ़ी तबीयत ख़राब रही है और बुखार भी रहा है, अभी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वो भी है शरीफ भाई। बाकी मेन जो हम अपनी तबीयत से ज़्यादा लोगों का सीधी सी बात है इसमें कोई अपनी तारीफ वाली बात नहीं हम करते, तो हमें अपनी हमारी तबीयत को मतलब ना भी ठीक हो हम सोचते हैं यार अगर वो अगला बंदा मुश्किल में है ना हम जाएं, तो इंशाल्लाह अगर हमारी तबीयत ना भी ठीक हुई तो फिर भी हम
बल्कि जो है मदद करेंगे यहाँ पर। वो सब आपको पता है कि वो बच्चे की वजह से जो है बिल्कुल आए, बच्चे का बताया था बिल्कुल, खांसी नज़ला मुझे भी है, तो फिर भी हम आए, तो इसी वजह से जो है वो आज हम इधर आए थे। बाकी कॉन्टेक्ट में रहेंगे हम उनके साथ, अगर मज़ीद जो है जी उनको हमारी कोई ज़रूरत हुई ठीक है ना, तो फिर हम दोबारा हाज़िर हो जाएंगे, और जो पड़ा हुआ पानी है वो भी हम दे देंगे और उस बच्चे को भी पिला देंगे ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, और रास्ते में मज़ीद उनसे रहेंगे। बाकी ठीक है जी, फिर आप नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर वो सीरीज़ का ही आपको एपिसोड देखें इंशाल्लाह, तो दुआ ज़रूर कर दीजिएगा हमारे लिए। और एक बार फिर मैं आप दोस्तों से कह रहा हूँ कि हमारे लिए दुआएँ जो हैं जी वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर दुआओं की ही ज़रूरत है। तो ठीक है फिर, चलो भाई अच्छा भाई ठीक है जी, फिर आप दोस्तों से इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दुआ करते रहिएगा जी, और ठीक है फिर, ठीक हो गया भाई, अल्लाह हाफिज़ जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।